Okay. हमारा आपसे मुलाकात का पर्पस कंस्ट्रक्टिव है कि वो चीज रखें जिसमें आप कोई इम्प्रूवमेंट निकाल सके। ये बोलता है कि हम कोई बात करें जिसको एजेंट ना लिख ले, हम गाड़ी नहीं लाने हैं, लेकिन वो तभी चल पाएगा जब हम लोग मुर्खी होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पिछली एक लेटर खड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा उससे फायदा ये निकलेगा कि कुछ ना कुछ जब चर्चिंग करेंगे, बात करेंगे। इस मीटिंग का मेन मकसद और मुद्दा एसएसपी साहब ने बताया, मैं भी गुजारिश यही करूंगा कि मैं आप ही से सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो यहीं का रहने वाला हूं, जैसे आप लोग जानते हैं, और मुझे आए दिन काफ़ी सारे लोगों के फीडबैक ऑलरेडी आते हैं और फोटोज भी आती हैं, पिक्चर्स भी आती हैं। और मैं वहां पे आपको रात दिन सर गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई आए दिन जितने भी आपके वारदात यहाँ पे हुई उन गाड़ियों के कारण नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो गया, क्योंकि रात को जिसमें फायर ब्रिगेड निकलता था उसको निकलने की जगह नहीं। स्टंट बाइकर्स के रिगार्डिंग और जो बाइकर्स विदाउट हेलमेट चलते हैं और एट द रिस्क ऑफ लाइफ जो चलते हैं, और मेटाडोर्स जिनका कोई स्टैंड नहीं है, जब गाड़ी के जब हमारी मेटाडोर्स खाली होती है उसके राउंड लगाते रहते हैं, काफी चालांस भी हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही रिजल्ट रहता है कि एक दिन जो अभी चल रहे हैं सर वो खाली 100 है सर, बाकी दो सर बाकी वो जैसे कोई बाहर से आता है या चलता रहता है कोई स्टैंड की जगह जो भी बोलती सर, हमें सर स्टैंड की जगहें भी मिली हैं सर, पर उन पे आउटसाइडर जो गाड़ियां हैं सर वो पार्क हो जाती है। बीच रास्ते में चलते हैं, मतलब बाहर के चलते हैं, इनको भी कुछ टायर या सी जाए जो रास्ते में ट्रक वगैरह है माल, कोई अनपढ़ नहीं है, जो बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर रास्ते में आते हैं वो अनपढ़ नहीं होगा, उनको अपना दिमाग होगा, वो खुद ब खुद खड़े करते हैं, जब उनको बोला जाए तो आगे से क्या फैसला करना लड़ाई करना शुरू हो जाता है। कर सकते हैं, यह छोटी सी बात है, पहले स्टार्ट होगी कि दुकानदार सेवा अपना माल दुकान के अंदर रखे। आप सब हजरात जिन्होंने यहाँ पे बात अपनी रखी उनकी बात बिल्कुल नोट की है, उनका फोन नंबर भी मैंने नोट किया है। मैं दो चार चीजें जरूर बताऊंगा, मतलब इस जज्बे से कि मैं इसी जगह से बिलोंग करता हूँ, मेरी हमदर्दी इसके साथ बिल्कुल है, मैं इसको फलता फूलता लिखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी स्टेट में सब जगह तकरीबन तैनात रहा हूँ, टफ टाइम्स में भी रहा, आप सबको पता है। सबसे बड़ी बात है कि अमन जो है ना, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। हम बोलते हैं पीस इज प्रॉस्पेरिटी। सर आज जो और मीटिंग ली गई यहाँ आवाम के साथ, क्या मकसद है इस मीटिंग का और सर के हवाले से क्या कुछ आगे बेहतरी मिलेगी? देखिए आज यहाँ बदरवा में जो हमारे ट्रैफिक से ऑफिसर्स थे, एसएसपी ट्रैफिक, नेशनल हाईवे, डीएसपी, डोडा किश्तवाड़ हैं, यहाँ के एसडीपीओ हैं, एसएचओ हैं, और भी कुछ ट्रैफिक के अमले से यहाँ पे लोगों को भी बुलाया गया था, ताकि वो आप जो यहाँ पे मौजूद लोगों को बुलाया गया, ट्रांसपोर्टर्स को भी बुलाया गया, प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम समझें क्या प्रॉब्लम्स हैं। और क्योंकि बदरवा में टूरिज़म जो है वो सीज़न आने वाला है, बहुत सारी ट्रैफिक चैलेंजेस और जनरल चैलेंजेस रहती हैं, उनको बखूबी निभाया जाए और उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए, उस सिलसिले में हमने पब्लिक से एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग यहाँ रखी और इनसे फीडबैक लेने की कोशिश की कि जो ट्रैफिक से मुतल्लिक प्रॉब्लम्स हैं तो उनका हल कैसे निकाला जाए। इसमें हमने पब्लिक से अभी एक कॉपरेशन की ही बात की है कि वो ताउन दें और सभी लोग, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं या आम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो वो बेसिक ट्रैफिक डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करें, ताकि जो हमारी एम्बुलेंस हैं, फायर सर्विसेज हैं, स्कूल के बच्चे हैं या बाकी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे निभाई जा सके। तो अभी देखते हैं जो ट्रैफिक पे के हिसाब से ग्राउंड पे भी हमको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर साइनेज वगैरह लगानी होंगी, वो भी हम लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक बेहतर निज़ाम जो है वो ग्राउंड पे रहे। लोग किस तरह से अप्रोच करें पुलिस को, जो कि एक्शन
देखिए, पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि पुलिस का एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर है, दैट इज कॉल्ड 112। 112 पहले जो 100 आप डायल करते थे, अभी 112 पे आप डायल कर सकते हैं। पहली चीज वो है। उसके अलावा हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन है, जम्मू है, श्रीनगर है, उनके नंबरात आप ले लीजिएगा, उनके उनके साथ भी आप रब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद कानून जो है वो सबके लिए है। हम उन ऐसे लोगों की, आजकल हमारे पास फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के भी काफ़ी सारे जो गैजेट्स हैं अवेलेबल हैं, हम इनके खिलाफ पूरा एविडेंस जमा करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उनके पेरेंट्स से भी पहले हम एक गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो अपने बच्चों को इस तरह की जो खतरनाक जो वो ड्राइविंग है उससे उनको रोकें, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वो एक्चुअली एक लंबा प्रोग्राम है, उसमें हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्राइवेट पार्किंग स्लॉट्स, गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल, वो मुतलका डिपार्टमेंट से भी टेकअप करना पड़ेगा। उसका थोड़ा मुझे लगता है वक्त लगेगा, बट कोशिश करेंगे, तब तक हम इसको बेहतर करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, ट्विन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डोडा में जो है एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ ट्रैफिक पुलिस आगे जो है स्ट्रैटेजी अपनाए, कैसे उनमें कमी? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये कोशिश की जा रही है जो व्हीकल्स हैं उनकी जो लाइफ होती है, उनकी फिटनेस होती है, उसके ऊपर पहले जोर दिया जा रहा है कि जो व्हीकल्स की फिटनेस है उसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाए और देखा जाए कि कोई भी गाड़ी जो फिट नहीं है वो इस सड़क पे ना चले। दूसरा, जो ओवरलोडिंग है और ओवर स्पीडिंग है उसको कंट्रोल किया जाए। काफ़ी जगह हम लोग रेबल स्ट्रिप्स और स्पीड ब्रेकर्स भी यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो कंसर्न हमारी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं उनके थ्रू हम लोग क्रैश बैरियर्स वगैरह भी लगा रहे हैं। अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है, जो हमारे ऑफिसर्स ग्राउंड पे ड्राइवर हजरात और ट्रांसपोर्टर्स से बार बार बात कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी में ना रहें, थोड़ा बहुत वक्त दें, और ये वक्त, ये सड़क जो है बहुत ही खतरनाक है, ताकि बाकी कीमती जाने जो है ज़ाया ना हो। तो ये ड्राइव अवेयरनेस का, एनफोर्समेंट का, रेगुलेशन का, तीनों एक साथ चलते रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि इस ड्राइव से हमें काफ़ी सारी कीमती जाने बचाने में जो है मदद मिलेगी। आज भदरवा में DIG साहब आए थे, जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, उनके सामने पूरे पब्लिक ने, यहाँ के व्यापार मंडल ने, यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स ने सारे मिलजुल के जो इश्यूज रखे थे, तो DIG साहब ने पूरा आश्वासन दिया और यकीन दिलाया सबको कि इस पे जल्द से जल्द काम किया जाएगा और इस ट्रैफिक के निज़ाम को सुधारा जाएगा। आज DIG ट्रैफिक डॉक्टर हसीब साहब आए थे, उन्होंने तमाम फ्रेटर्निटी का जो मीटिंग रखी थी, सजेशन सुनी, इनपुट सुने, और उन्होंने अपनी तरफ से भी सजेशंस दी, खासकर पीस और डिसिप्लिन पे फोकस किया, एम्फेसाइज किया, और बहुत अच्छी मीटिंग रही।